श्री ब्रह्मचारिण्य नमः। नमस्कार, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ भक्ति ज्ञान चैनल में। आइए आज बात करते हैं देवी के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से माता से तपस्या का वरदान मिलता है। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इन देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और कई 100 वर्ष केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। इन्होंने बहुत से कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया और उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की, यह तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद उनके पिता उन्हें लेने आए और माता घर लौट आई। इसके कुछ दिनों बाद ब्रह्मलेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहन लें। इसके बाद आसन पर बैठ जाएं और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। उन्हें अक्षत, फूल, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, द्रत, मधु व शर्करा से स्नान कराएं। माँ को भोग लगाएं, उन्हें पिस्ते की मिठाई का भोग लगाएं। फिर उन्हें 5 सुपारी लौंग अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और उनकी आरती करें। सच्चे मन से माँ की पूजा करने पर वो व्यक्ति को संयम रखने की शक्ति प्रदान करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः, दधानाकर महाभ्याम अक्षमाला कमुंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नूतमा। इस मंत्र का अर्थ है, जिनके एक हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।